कठुआ जिला की पहाड़ी तहसील बनी में हरिजन सभा द्वारा महेश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हरिजन सभा के सदस्यों ने जोरदार नारेबाजी कर रोष भी जताया। सदस्यों का कहना था कि बनी में हरिजनों की अनदेखी कर उन्हें लताड़ा जा रहा है, किसी भी तरह का हक उन्हें नहीं मिल रहा है। उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि आने वाले चुनावों में वह विधायक पद के किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे और अपने ही समुदाय से किसी उम्मीदवार को खड़ा कर उसके पक्ष में वोट डाले जाएंगे, चाहे वो हारे या जीते, क्योंकि आज तक वह स्थानीय नुमाइंदों को ही जिताते आ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को कोई भी हल नहीं कर रहा है, क्योंकि वह दलित समुदाय से संबंध रखते हैं और उनका कहना है कि पूरे भारत में दलितों को दबाया जा रहा है। हरिजन सभा जो है मीडिया वालों के सामने आवाज उठा रहे हैं कि हम कोई हमें एमएलए की जरूरत नहीं, हम किसी को वोट नहीं देंगे, हमारा वोट जो जाएगा अपना मतलब शेड्यूल कास्ट नुमाइंदा खड़ा करेंगे हम, जिस नुमाइंदे को हम अपना वोट हारने के लिए देंगे, क्योंकि हमारा वोट पूरा नहीं है। अगर वोट हमारा जो जाएगा तो उस नुमाइंदे को जाएगा जो हमारा अपनी कास्ट का मेघ महाशा शेड्यूल कास्ट जज रामदासिया होगा, उसको हम अपना वोट देंगे बस, बाकी सारे वोट का कोई वैल्यू नहीं है। और ना हमें ये लोग चाहते हैं, हम शेड्यूल कास्ट जो हैं वो हिंदुस्तान में दबाए जा रहे हैं, अदालतों के साथ बहुत बेइंसाफ हो रहा है, इसलिए हमने ये मीटिंग बुलाई है। और इस मीटिंग का आगाज जो है हम महेश कुमार के थ्रू करेंगे, ये हमारी हरिजन सभा के प्रेसिडेंट हैं, गुरु रविदास भक्त सभा के प्रेसिडेंट। वही बैठक की अध्यक्षता कर रहे महेश कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, सर देखो हमने ये देखा है कि जहाँ जो भी यहाँ हरिजन बस्तियाँ होती हैं तो हमसे ये भी जो ये एमएलए वगैरह होते हैं तो हमसे ये वोट लेते हैं, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जो भी सीडीएफ का पैसा होता है वो हमारी हरिजन बस्तियों में बहुत कम खर्च होता है, अगर होता भी है तो सिर्फ वो नाम मात्र होता है, जैसे रोते हुए बच्चे को हम टॉफी दे देते हैं और उसको मनाने के लिए, वैसे हमारे साथ ये मजाक होता है। नंबर दो, हमने देखने में आया है कि हमारे इस इलाके में जितनी भी सड़कें बनी हैं तो वो उन सड़कों में ज़्यादातर ज़मीन जो है वो हमारे दलित लोगों की जो है बर्बाद हुई है, क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ भी अगर कोई सर्वे पार्टी होती है तो उन्होंने जब सर्वे करना होता है और जो वहाँ आगे से उनको अंगूठा दिखाते हैं लोग, तो वो फिर क्या करते हैं कि देखते हैं कि जहाँ दलितों की ज़मीन है वहाँ पर मोड़ लगा कर वो बिल्कुल जो है वो ज़मीन जो है वो तबाह कर देते हैं और उसके बाद जो है उनको मुआवजा भी नहीं दिया जाता है और वो बेचारे बिल्कुल बेज़मीन, एक तो उनको पहले ही कम ज़मीनें होती हैं और दूसरी जो थोड़ी बहुत थी भी वो भी वो सड़कों में चले गए और ना उनको मुआवजा और ना वो कुछ मिला। यहाँ हमारी कोई 10-12 हज़ार की आबादी है जो हमारे ऐसी लोग हैं, लेकिन उनका ना कोई सरपंच है ना कोई पंच है और जब भी राज दरबार होता है तो उनके दुख दर्द सुनाने वाला कोई भी यहाँ नहीं होता है। जो भी पंच सरपंच जीत कर आते हैं वो पहले जात पात के नाम पर जीत कर आते हैं, वो हमारे लोगों की जहाँ नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं, वो हमारे लोगों का कैसे दुख दर्द यहाँ सुना सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे ये एससी के लिए ये रिजर्व सीटें रखी गई हैं सरपंच की, वैसे जो हमारा जो कोटा जितना भी बनता है वो हमारे लिए भी जहाँ सरपंच की जो है वो अपनी जो सीटें जो हैं वो रखी जाए सरपंच के लिए, और जो भी जहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग होती है, जहाँ ब्लॉक एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग होती है और वहाँ जो दलित मेंबरान के लिए जो रखा गया है कोटा, वहाँ मेंबरान के खसूसी जो पोस्टर रखी गई है, तो वहाँ भी सिर्फ शहर के। बनी से हाफिज कुरैशी, अलर्ट इंडिया न्यूज़।